आज हम खड़े हैं लखनऊ के इको गार्डन माननीय काशीराम साहब के पार्क में, और यहाँ पर जो 69,000 भर्ती हैं उसकी जो आर्चर जो घोटाला हुआ है वहाँ पर ये छात्र आंदोलित हैं, और यहाँ पर विभिन्न संगठन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने इनका समर्थन दिया हुआ है। सर आपका थोड़ा परिचय और फिर ये आंदोलन में आप क्यों भागीदार हुए हैं, आपके संगठन ने क्यों भागीदारी दी है? मैं साहबीर आजाद, इंसाफ संगठन उत्तर प्रदेश पूर्वी का प्रदेश अध्यक्ष, जो ये बाम सेफ संगठन का आपसूट बिंग है। बाम सेफ का जिस तरीके से कार्य कैडर का था और जन चेतना जगाने का काम बाम सेफ करता था, उसी को और आगे बढ़ाते हुए आंदोलन के रूप में, जैसा कि आज आंदोलन आप देख रहे हैं, जब किसी के भी हक और हकूक छिनते हैं तो आंदोलन की बात करता है और आंदोलन में जाते हैं ताकि उसे न्याय मिल सके। आज ये 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार, चूँकि इसकी सोच जिस समाज के लोगों के साथ, उन युवाओं के साथ सर्विस के लिए जो घोटाला किया गया है, वो व्यवस्था के तहत उन्हें पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं इस सामाजिक व्यवस्था से, उन्हें बराबर लाने की कोशिश की जाए। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग उनको बराबर तो छोड़िए, उनको इतने पीछा करना चाहते हैं, इतने पीछे धकेलने का काम करना चाहते हैं ताकि अपने हक हकूक को भूलकर सिर्फ रोटी तक ये सीमित रह जाएं। ये वर्तमान सरकार की सोच है, जबकि वर्तमान सरकार का ये वादा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ तो ले लिया, विश्वास में कमी आई, तब इन्होंने विश्वासघात करना शुरू कर दिया। वो 69,000 की पोस्टों में जो घोटाला किया गया है वो आपके सामने है। आज ये नौजवान सड़क पर है, यह नौजवान हमारा भारत का आगे का भविष्य का निर्माण करेगा। ये निर्माण करने की प्रक्रिया जिसमें इसकी भी हिस्सेदारी हो, उसको ये रोकने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आंदोलन यूं ही चलता रहा तो हक आगे मिलना इस सरकार को मजबूर कर देंगे। आगे आने वाला 2022 का चुनाव इस पर बहुत रंग लाएगा और बहुत कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं, इसलिए युवाओं को इस ओर बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि उनके हक और हकूक बने रहें। जबकि भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के तहत ही ये 69,000 पोस्टों का जो निकला, उसमें जो आरक्षण इस कम्युनिटी का, SC ST OBC का बन रहा था, उस पर जो घोटाला किया गया, ये सरकार के लिए शर्मनाक है और उस समाज के लिए भी शर्मनाक है जो अपना जो हक नहीं ले पा रही है। हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा और सड़कों पे उतर करके इस तरह का माहौल आपको बनाना पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए और 2022 के चुनाव में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए। सर यहाँ पर जिस तरह से बच्चे शामिल हुए हैं, संगठन आए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि ये मोस्टली उन जागरूक बच्चों का आंदोलन है, क्या आप इस बात सहमत हैं? नहीं, ये तो सही है कि जागरूक अगर ना होते तो अपने हक अधिकार के लिए सड़कों में, बरसात में, पानी में, गर्मी में यहाँ पर ना आते। अब सवाल ये है कि ये क्यों आए हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि ये जो अध्यापकों का घोटाला हुआ है भर्ती में, तो इस भर्ती घोटाले में जो सरकार ने किया है, तो ये बच्चे अपने आप से नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट में साफ, आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने लिखा है, उसको उनकी रिपोर्ट है कि इसमें जो 27% मिलना चाहिए था पिछड़े वर्ग के साथ बच्चों को, उसमें केवल उन्हें जो है 3% मिला है, यानी 24% का उसमें घोटाला है। इसी तरह से अनुसूचित जात वर्ग के में जो रिक्तियाँ थी, जो पद थे, उसमें घोटाला है। तो इन सबको ले करके, और आयोग की रिपोर्ट में भी देख रहा था, मेरे पास है, उसमें ये स्पष्ट नहीं सरकार कर पाई कि ये जिला स्तर की भर्ती थी कि राज्य स्तर की भर्ती थी, इसको भी रिपोर्ट ने इंगित किया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एक बहुत बड़ी साजिश करके उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती में ये घोटाला किया गया है, और ये घोटाला ही नहीं किया गया है, ये नौजवानों को उलझा दिया गया है कि वो सारे काम धाम छोड़ करके वो सड़कों पर घूमें। सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है, जैसे किसानों का नहीं 9 महीने चल रहा आंदोलन नहीं कुछ कर रहे हैं, वैसे इनके लिए भी ये सोच बैठे हैं। लेकिन ये नौजवान उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया
तो ये जो आज यहाँ लाखों के हजारों के तादाद में इधर आए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में निश्चित रूप से ये जो नौजवान है ये अपना करिश्मा दिखाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल कर इस देश में आरक्षण समर्थक सरकार को लाने का काम करेगा। धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर बांदा से आया हूँ, चित्रकूट बांदा। आप बुंदेलखंड? जी बुंदेलखंड से। आपका कौन संगठन है और कैसे भागीदारी दी हुई है? जी हमारा संगठन है, आज से लगभग 20 साल पूर्व से हमारी अंबेडकर समाज पार्टी चल रही है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी हैं। तेज सिंह जी ने मुझे अथराइज किया है कि जाइए और वो पूरा मैटर देखिए, समझिए। ये पूरे समाज का मामला है 85% का, ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ना ही एक पार्टी का मामला है। यहाँ पर सभी भाइयों को हमें एकजुट होकर के और ये लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी, ये सियासत से इसको दूर रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे चंद्रशेखर जी का भी कहना है, तमाम लोगों का कहना है कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। आज मुझे गर्व होता कि अगर सभी संगठनों के लोग सारे ताकत से यहाँ आ जाते तो और कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता, परंतु कहीं ना कहीं कुछ हम में कमियां हैं। मैंने आज लिखा है कि फेसबुक छोड़ करके अगर ज़मीन पर नीचे आओ, कुछ कार्य करो तो समझ में आए। आप सर जानते हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मीडिया में आवाज़ आप हमारी निकालते हैं। 70 सालों से आज़ादी के बाद से किन किन लोगों ने सरकार नहीं चलाई, मगर इस पर ध्यान दिया गया? कौन से लोग वहाँ सत्ता पर नहीं पहुँचे, पर क्या इस बात पर ध्यान दिया गया कि हमारा रोड में नौजवान ना आए, हमारे चंद्रशेखर जैसे लोग ना आगे आए? तो मैं आपको ये वादा और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में अंबेडकर समाज पार्टी पूरे तन मन धन के साथ इस संगठन का साथ देते हुए आरक्षण को बहाल कराएगी और इस योगी सरकार की तानाशाही को खोद के गाड़ देगी और आने वाले समय में इस सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। धन्यवाद। जिस तरह से युवाओं का ये हुजूम और आवाज़ें आपको दिख रही हैं, उससे ये मालूम पड़ गया है कि अब ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है और अधिकारों का आंदोलन हो गया है। जी बताएं के लिए कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरे गम के आंसू किसी और आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झीलों की तरह, वरना दरिया में बह के बहुत दूर निकल सकते थे। क्या नाम है आपका? अर्जुन राज। कहाँ से आए? बस्ती से। देखिए ये जिस तरह से युवा आज आंदोलित हैं, और चूंकि अभी जो भीड़ है वो उधर से नेताओं की तरफ जा चुकी है, और ये एक एक जो छात्र हैं जो अपने अधिकारों के लिए सजग है। आप देख रहे हैं BCNC न्यूज लखनऊ।